युवा जहरा का लहजा अगर आप गौर करें जो कि बहुत चौंका देने वाली है, ठीक, अपने वालिद से मजीद नफरत हो रही है। बच्ची को शर्म आनी चाहिए, मुझसे इंटरव्यू लेती मैं शटअप कॉल देता दुआ को, बंद करो अपने बकवास, खबरदार जो तुमने अपने माँ बाप को झूठ बोला था। एक बच्ची जो कि दबाव में हो, क्या वो इतना स्ट्रिक्टली अपना स्टेटमेंट दे सकती है? ये ब्लैंक स्टेटमेंट था, ये दिलवाया गया था, ये रटाया गया था। वो यूट्यूबर जिनका नाम जुनैरा है, वो बहुत वीडियोस कर रही हैं इसके ऊपर, जिसमें उनका कंप्लीट सपोर्ट है दुआ और जहीर को। अगर आप इस दुनिया को ऑब्जर्व करें, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ हमेशा सच्चे आदमी पे उंगली उठती है, और इसको कभी भी कतरन हमारा माशरा तो बर्दाश्त नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। दुआ जहरा केस के हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोस की और काफ़ी एनालिसिस डिफरेंट यूट्यूबर्स ने भी दिए, लेकिन उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो एनालिसिस हमारे पास आया वो डॉक्टर मुइज़ हुसैन का आया। डॉक्टर मुइज़ हुसैन ऐसा नाम है जिससे आप सभी वाकिफ़ होंगे, हर बाशऊर आदमी वाकिफ़ होगा, और अब तो इस एनालिसिस के बाद डॉक्टर मुइज़ मेरे ख्याल में बच्चे बच्चे भी उनसे वाकिफ़ हो चुके हैं जिनके पास कभी इलाज के लिए नहीं आए, लेकिन अब उनसे वाकिफ़ हो चुके हैं। तो डॉक्टर मुइज़ को मैं वेलकम करती हूँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए मुझे। आप जैसे माइंड साइंसेस की जो एक टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी कि दिस इज़ एन आर्ट, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना ये भी एक आर्ट है, एक तालीम है, कितना एक्यूरेट होता है ये कि आप किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसके अंदरूनी जज्बात को किस तरीके से कितना एक्यूरेसी के साथ जज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, थैंक यू वेरी मच जी। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे आपने मुझे मदद किया। देखिए, माइंड साइंसेस को हम अगर समझना चाहें, ये इल्म लदूनी है। ओके, ठीक है, ये वो इल्म है कि जो इंसान को उन चीज़ों के बारे में आगाही देता है या पता देता है जो बाजार छुपी हुई, जैसे एक्सरे है, हड्डी दिखा देता है, अल्ट्रासाउंड है, पेट में दिखा देता है, सीटी स्कैन है, इस तरह खास टेक्नोलॉजी, और ये कुरान में मौजूद है। अब माइंड साइंसेज की एक्यूरेसी वैसे तो 100% है, मगर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आज घर से निकला हूँ और मैं किसी बात पर परेशान हूँ और मेरे सामने केस आता, अब उस परेशानी की वजह से मेरी असेसमेंट गलत हो सकती है। ओके, या मिसाल के तौर पर मैं एक बाप हूँ और मेरा बेटा जो है वो परेशान कर रहा है मुझे, तो मैं किसी और के बेटे को एनालाइज करूंगा तो मेरे बेटे की बात मेरे जहन में आ जाएगी। क्योंकि इंसान अपने आप को बड़ा मुश्किल है डिटैच करना, तो माइंड साइंसेज में पहली चीज़ जो सिखाई जाती है वो ये होती है कि अनलर्न बिफोर यू लर्न, यानी आपको जो कुछ जानते हैं उसको छोड़ के। आप देखें, मेरी कमरे के बाहर एक नोटिस लगा हुआ, एक बोर्ड लगा हुआ है, लीव योर ईगो विथ योर शूज हियर, यानी आप अगर मेरे पास आते तो सबसे पहले आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, जनरल है, कर्नल है, जो भी है, भूल जाएं, मेरे पास सिर्फ एक ऐसा शख्स आए जो मतलाशी हो इल्म का और जो खाली हो कि मुझे सिखाओ, पहला शर्त ये होती है। दूसरी, इसके अंदर डिटैचमेंट बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी की तकलीफ को सुनते हैं तो वो तकलीफ आप अपने अंदर महसूस करेंगे तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते। सही। तो ये तमाम चीज़ें, तो एक्यूरेसी, तो इसकी ऐसी एक्यूरेसी किसी में नहीं है। बहुत सारी चीज़ हम यूँ आ जाती है, हमारे पर आमद होती है और बता देते हैं, हम आ जाती है। और बहुत बड़ा स्कोप है दुनिया में, इस पर बड़ा काम हो रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसियां बाहर की काम कर रही है, मिलिट्री कर रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर है, मेडिकल के अंदर है, साइकोलॉजी में है, डिफरेंट फील्ड है। अच्छा, पर्टिकुलरली मैं दुआ जहरा केस के हवाले से बात करना चाहूँगी। दुआ जहरा की आपने जो एनालिसिस दिया बॉडी लैंग्वेज पे, उसके पॉस्चर्स पे, उसके हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाने पे या नज़रें झुका के बात करने पे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। दुआ जहरा का लहजा पे अगर आप गौर करें, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके उसने बहुत सारी बातें ऐसे की हैं जो कि बहुत चौंका देने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहा कि मुझे अपने वालिद से मजीद नफरत हो रही है। एक बच्ची जो कि दबाव में हो, क्या वो इतना स्ट्रिक्टली अपना स्टेटमेंट दे सकती है? देखें, स्टेटमेंट दे सकती है, मगर उस स्टेटमेंट के साथ जज्बाती या फीलिंग्स क्या है, जज्बात वो नहीं थी। इसका मतलब है ये ब्लैंक स्टेटमेंट था, ये ब्लैंक स्टेटमेंट था, ये दिलवाया गया था, ये रटाया गया था। वरना मैं कहूँ ना कि मुझे फला शख्स से नफरत है, तो मेरे चेहरे से, मेरी आवाज़ से, अगर चेहरा भी नहीं तो मेरी आवाज़ से पता चलेगा। इसको लबो लहजा कहते हैं, टोनैलिटी कहते हैं, टोनैलिटी हम NLP सिखाते हैं, उसमें यही चीज़ सिखाते हैं। टोनैलिटी से पता चलता है कि बच्चा, एक शख्स जो एक जुमला कह रहा है उसमें सच साथ है या नहीं है।
हम अक्सर ये कहते हैं ना कि जो शख्स सच बोलता है उसकी जबान में बड़ी कुव्वत होती है, ताकत होती है, राइट, कि वो जो कहता है वो पूरा हो जाता है। तो जब इंसान का मन यानी दिल या इसकी न्यूरोलॉजी वो और हो, और जो बोले, जुमला बोलना इस फिजियोलॉजी, जब वो बोले और वो दोनों कंग्रुएंट ना हो, एक साथ ना हो एक लेवल पे, तो पता चल जाता है कि जुमला बोला जा रहा है मीन नहीं है, यानी इसका कोई पीछे कोई नियत नहीं है, बस ये बोला जा रहा है किसी वजह से। तो दुआ ज़हरा के केस में यही है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं इस केस के हवाले से। मेहदी काज़मी साहब जो दुआ के वालिद हैं, या वो यूट्यूबर जिनका नाम जुनैरा है, वो बहुत वीडियोस कर रही हैं इसके ऊपर, जिसमें उनका कंप्लीट सपोर्ट है दुआ और ज़हीर को। जो मेरा सॉरी नैरेटिव है वो यही है कि अगर आप दुआ को सपोर्ट करें हैं या उसकी शादी को, उसके घर से भागने को, दैट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन आप मेहदी काज़मी साहब पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो सिचुएशन मेहदी काज़मी या उनकी वाइफ या उनकी फैमिली की बन रही है, वो बहुत अजीबोगरीब हो गई है लोगों में, बच्चों में, ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं, उनको क्या पैगाम इस सारी सूरत हाल से जा रहा है कि आप अपने माँ बाप को न सिर्फ ये कि धोखा दे दें, बल्कि उनको बदनाम करने में कोई कसर भी ना उठा रहे। आप एक चीज़ सोचें, दुआ इल्ज़ाम लगाई अपने माँ बाप पर, और जुनैरा भी कह रही है, ठीक है, माँ बाप ने कभी अपनी बच्ची को बुरा नहीं बोला, कभी नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आप इस दुनिया को ऑब्जर्व करें, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ हमेशा सच्चे आदमी पे उंगली उठती है, सच्चे आदमी को बुरा कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस टेबल के नीचे हूँ तो कोई मुझे नहीं देखता, मगर जैसे ही मैं टेबल के ऊपर आऊंगा, लोगों की नजर होगी तो लोग उंगलियां उठाएंगे, बातें करेंगे। ये ज़र्फ़ होता है इंसान का, वो ज़र्फ़ इनमें नहीं है, इस तरफ नहीं। मैं एक तजिया कर रहा हूँ, मतलब मेरा जाती कोई ताल्लुक नहीं है ना दुआ से, ना जुनैरा से, किसी से, ना मेहदी साहब से मेरा कोई जाती ताल्लुक है। मगर इन्होंने अपनी बेटी को, ये भी कह सकते थे बदचलन थी, बदमाश थी, वो थी, कह सकते थे ना, ये भी कह सकते थे लिस्ट के बदतमीज थी, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा। जब आप पे कोई इल्जाम लगता है तो आप काउंटर करते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। माँ बाप ने काउंटर नहीं किया, इसका मतलब आला ज़र्फ़ है, सही, ठीक है। अपनी बेटी को बदनाम नहीं होना चाहते, बेटी से मोहब्बत करते, वरना तो करते कोई ना कोई ऐसी बात करते। बेटी मैं तो जर्फ है ही नहीं, और मुझे अफसोस है जुनैरा इतनी पढ़ी लिखी है माशाल्लाह, उसको कम से कम अगर दुआ ऐसी बात बोलती तो उसको रोकना चाहिए, तो दुआ मत बोलो, तुम्हारे माँ बाप है, अगर इनकी दुआ मिलना बंद हो गई तो दुनिया तो बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो पढ़ी लिखी जुनैरा, उसको रोकना चाहिए दुआ को, पता नहीं क्यों नहीं रोका। तो अब या तो वीडियो की वजह से कि चलो भाई ट्यूब वीडियो चल रही है, जितना हमारे मुल्क में खुदगर्जी है, कॉन्ट्रोवर्सीज होती है। आप देखें दर्स की वीडियो बहुत कम लोग देखेंगे, ठीक है, और लड़ाई झगड़े की वीडियो बहुत देखेंगे, सब लोग देखेंगे। इस वक्त आपके न्यूज चैनल की सबसे ज्यादा रेटिंग ही होती है कि आपस में पॉलिटिशियन लड़ते हैं तो बड़ा मजा आता है, सब सारे टॉक शोज की होते हैं, और एक आदमी सीरियस आके, मैं एक कहता हूँ कभी कभी कि अशफाक अहमद अगर इस दौर में अपना प्रोग्राम जाविया करे तो उसकी कोई रेटिंग नहीं होगी, गारंटीड नहीं होगी, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है सुनने में। तो मैं समझ जुनैरा समझदार है, और मेरे ख्याल में वो कोशिश करे कि कम से कम दुआ से कहे कि आइंदा ऐसी बातें ना करो। अगर वो खुद कह रही है, कहलवाया जा रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं कि मैं रोक सकूं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दुआ और ज़हीर का घर से भागना, अगर वो खुद भी नहीं गई है, किसी कोई लेके भी गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी मर्जी बहरहाल शामिल है उसमें। अभी एक टेस्ट केस बन चुका है फॉर ऑल द टीनेजर्स, आपका क्या ख्याल है कि इसको रोके जाना चाहिए, और क्या एक हमारी सोसाइटी को तो चलें गलत पैगाम जा ही रहा है, इस गलत पैगाम को रोकने के लिए क्या कोई लर्निंग प्रोसेस या कोई ऐसी थेरेपी हमें स्टार्ट करनी चाहिए आपकी जानिब से, कुछ ऐसा हो जिससे कम से कम टीनेजर्स माइंड जो हैं वो एक जगह फोकस तो हो सकें। अब टीनेजर का ग्रोइंग माइंड होता है, 10 जगह उसकी नज़र जाती है, जहन जाता है, ऐसे में अगर थोड़ी बहुत सख्ती हो जाए तो इस किस्म के केसेस आ सकते हैं। बच्चों को उस सख्ती को सही समझने के लिए और इस किस्म के एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने से रोकने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस, कोई थेरेपी? सालों पहले मेरा एक प्रोग्राम था जीनियस मेथड, वो हमने बड़ा कंडक्ट कराया, बच्चों को करवाया, आज माशाल्लाह कई दफ़ा बच्चे मिलते हैं बड़े कामयाब, और ऊंचे ओहदों पर हैं, कोई फौज में है, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीनियर एग्जीक्यूटिव है, कोई बैंकर है, कहते हैं सर सर 20 साल पहले मैं आपका प्रोग्राम किया या 30 साल पहले किया था, 12। वो हमने बंद इसलिए कर लिया गया कि हमने पूरा फोकस कर दिया माँ बाप की तरबियत। अब उरूज से मेरी बात हुई है, उरूज केनिया में है, आज दुबई पहुंची है, इंशाल्लाह आ जाएगी। अब हम वापस उस प्रोग्राम को अब लाते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं
कि माँ बाप बच्चों को भेजें, हम एक तो बच्चों की ब्रेन मैपिंग करें। ये ब्रेन मैपिंग से मुराद ये है कि उसकी शख्सियत को जानें। अगर उसके अंदर एक इंजीनियर है और बाप कह रहा है डॉक्टर बनो, तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं होगा एज ए डॉक्टर, राइट। तो उसका हिडन टैलेंट डिस्कवर करें और बच्चों को तरबियत दें, बाकी ट्रेनिंग दें कि उस ट्रेनिंग में माँ बाप का अदब एहतराम और प्लस उनकी मर्जी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पसंद की शादी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। अगर आपको कोई लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, माँ बाप को राजी करें। राजी करने का भी तरीका होता है। मुझे कहें मैं राजी कर दूंगा, मैंने कई ऐसे माँ बाप को राजी किया है, तो मैं राजी कर सकता हूँ। तो ये जो चक्कर ने घर से भागने का मतलब है कि आपके पीछे जो लोग रह गए उनकी जिंदगियों का क्या होगा। तो एक हम चाह रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, क्वेटा, बड़े शहरों में ये प्रोग्राम करेंगे, बड़े पैमाने पे करेंगे। और इसके लिए मुझे सपोर्ट भी चाहिए, लोगों की हेल्प भी चाहिए, और उसके साथ साथ फौरन हम माँ बाप के लिए करेंगे। देखिए, आपके औलाद तो पैदा होगी, आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाके सीखा कि पेरेंटिंग क्या किसे कहते हैं? आपके माँ बाप ने जिस तरह करी आप कर रहे हैं। वो दौर और था, आज दौर और, आज मोबाइल लेके बच्चा बैठा हुआ है, आपको क्या पता वो क्या देख रहा है। तो फिर हम पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम करेंगे पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी करेंगे, हो सकता है वेबिनार पे भी करें, ताकि बड़ी रीच हो जाए। और उम्मीद करते हैं अगर 4-5 साल अगर हम ये रेगुलरली प्रोग्राम करते रहे, तो यस, हमारे माशरे में एक बेहतरी आएगी इन टर्म्स ऑफ के औलाद और माँ बाप का जो रिश्ता है वो बेहतर होगा। सही, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इस किस्म का जो जनरेशन गैप है वो माँ बाप और औलाद के दरमियान ना हो, ताकि इस किस्म के वाकयात कम से कम हों, या अगर हों तो उनको बेहतर तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। एक पर्टिकुलरली दुआ ज़हरा केस के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी आपके एक्सपर्ट ओपिनियन। दुआ का घर से जाना, किसी और में इंटरेस्ट लेना, अपने वालदैन के इतने खिलाफ बात करना, भले वो दबाव में, कह रही हो एक नज़रिया ये भी कि वो दबाव में है, इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? माँ बाप की जानिब से ज़्यादा सख्ती, घर का माहौल, तरबियत, सोहबत, कौन सी चीज़ है जिसने ज़्यादा दुआ को इतना बागी कर दिया? देखिए, कोई बच्चा, पहली तो बात एज का एक बड़ा मसला है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आई थिंक कोर्ट जो है वो एक बोर्ड बिठाएगी। वैसे मेरे ख्याल अगर वो 16 साल की भी है तब भी वो एक छोटी बच्ची है। वैसे ही कह रहा हूँ, एक ये मसला है। दूसरा मसला, वक्त के साथ साथ चीज़ें पे डिफरेंट इश्यूज पे हाईलाइट होना शुरू हुआ। देखिए, एक बच्ची अगर घर से भागती है इसलिए कि उसे पसंद की शादी करनी है, तो क्या भागने से पहले उसने अपने माँ बाप को कहा था कि मुझे इससे शादी करनी है? उसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। बाप ने कहा मुझे कोई इतला नहीं है, ठीक है, तो अब वो स्टोरी तो फिर खत्म हो गई। तो फिर क्या ये घर से खुद भागी है? अगर भागी है तो इतना दूर गई कैसे? मतलब 17 घंटे का रास्ता है, जेब में पैसा नहीं, कुछ चीजें बिल्कुल फिट नहीं होती, ब्लैंक से खाली, ठीक है। अब एक फिर एक थ्योरी है कि उसे किडनैप कर दिया गया, अगवा कर दिया गया, अब उसका हमें सबूत भी नहीं मिल रहा। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो हमें फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए कि अगर बेटा या बेटी पसंद की शादी करना चाहते तो माँ बाप को इजाजत देनी होगी, चाहिए, दीन कहता है उनको इजाजत देनी होगी। दूसरा, बच्चे जो है वो समझ लें कि बच्चों को पालना आसान नहीं। अगर माँ बाप ने आपको पाला है तो उनके कुछ हुकूक है वो आपने अदा करने। सही। तो ये जो रिश्ता है ये बेहतर हो जाए, अब वो भागी है, अगवा हो गई है, अब वो चीजें खत्म कर दें। अब हमने देखना है कि बेटी माँ बाप के साथ मिल जाए, उसको रहना है अपने शौहर के साथ, बिल्कुल रहे, मगर माँ बाप के साथ ताल्लुक जुड़ जाए। डॉक्टर साहब, देखें, अगर कोई 14-15-16-17 साल की लड़की कराची जैसे शहर में खड़ी होकर कहे कि मुझे फलां बंदे से शादी करनी है, वो एक अनएम्प्लॉयड हो, हमारे या उनके फाइनेंशियल स्टेटस या एजुकेशनल स्टेटस से मैच ना करता हो, तो वालदैन तो मना ही करेंगे ना। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर मना करेंगे तो लड़की भाग जाएगी। तो ये कर सकते हैं कि माँ बाप में, आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, मेरे पास आया था एक लड़की थी क्लास 10th में, वो अपने को एजुकेशन थी, एक लड़का उसको पसंद आ गया, उसने अपनी माँ से आके कहा कि माँ मुझे इस लड़के के साथ शादी करनी। माँ ने तो हंगामा कर दिया, बाप घर में दाखिल हुआ, बाप ने पूछा बेटा क्या हुआ, कहती अब्बू ये बात है, बेटा कर दूंगा तुम्हारी शादी, वादा रहा, एक काम करो तुम तालीम हासिल कर लो, वो तालीम हासिल कर ले, उसको लड़के को बुलाए, बातचीत की, गपशप की, सब कुछ अच्छा हो गया। 4-5 साल गुजरे, बेटी एक दिन कहती अब्बू मुझे वो अब लड़का पसंद नहीं, कॉलेज में एक और लड़का पसंद। माँ ने फिर शोर मचाया, बेटा कोई फिक्र नहीं, तुम लोग कॉलेज की तालीम करो, मैं उसके माँ बाप के पास गया, वो बाप गपशप की, दोस्ती की। अब वो बच्ची जब यूनिवर्सिटी में गई तो एक दिन बाप के पास आती, अब्बू ये दोनों बेकार थे, मुझे अब शादी करूंगी जब मेरी मर्जी होगी।
देखिए बाप ने कैसा सेंसिबली हैंडल किया। हम इस तरह हैंडल, यही तरबियत ना माँ बाप को भी देना चाहते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, और बच्चों को ये तरबियत देना चाहते हैं कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ गई है तो उसको हासिल करने का प्रॉपर तरीका क्या है। दैट्स माय मैसेज। सही, तो इसी गुड मैसेज के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। जैसे कि डॉक्टर मुईज़ ने कहा कि वो बहुत जल्द एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, उनके दरमियान जो जनरेशन गैप है उसको खत्म किया जा सके। डॉक्टर साहब कोई अगर मदद की जरूरत हो, हम जरूर मदद मुझे चाहिए। पाकिस्तान की स्कूल्स हमसे रابطہ करें। ओके, हर स्कूल में हम फ्री लेक्चर देंगे, जाके बच्चों को मोटिवेट करेंगे। पूरे पाकिस्तान कॉलेज यूनिवर्सिटी, मैंने कई साल कोशिश की, आई एम शॉक में आप, और आपको भी शॉक लगेगा, कोई स्कूल इंटरेस्टेड नहीं। अच्छा, कोई स्कूल इंटरेस्टेड, बाकी शॉकिंग है कि कोई स्कूल इंटरेस्टेड नहीं। एक कराची में स्कूल है जिनकी जो मालकान थे वो मेरे पास स्टूडेंट थे मेरे, उनके स्कूल में कई दफा मैंने लेक्चर्स दिए और वो बड़े खुश होते हैं, मगर बाकी बहुत बड़ी बड़ी स्कूल है कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी इंटरेस्टेड नहीं है। यह सिर्फ पैसा बनाया जा रहा है तालीम के नाम पर, ना आपके पास साइकोलॉजिस्ट है वहां पे। मैं फ्री ऑफ चार्ज सर्विस दूंगा, पूरे पाकिस्तान में ट्रेवल करूंगा, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी हर स्कूल में। स्पेशली देखिए आपको संभालना किसको है, आपको ओवर ए लेवल के बच्चों को संभालना है, क्योंकि अभी इनको करियर का डायरेक्शन आता है, तो उसके लिए हम तैयार है फ्री ऑफ चार्ज। कोई भी स्कूल हमसे कॉन्टेक्ट करे, यूनिवर्सिटी करे कॉलेज करे, हम तैयार है, मैं और मेरी बेटी आके लेक्चर दें। से अच्छी बात और क्या हो सकती है कि फ्री ऑफ चार्ज। वैसे तो डॉक्टर साहब के लेक्चर्स कितने कीमती होते हैं ये हम सभी जानते हैं, और स्कूल्स हों यूनिवर्सिटीज़ हों कॉलेजेस हों, आपको चाहिए कि डॉक्टर साहब से रुजू करें, एंड फ्री ऑफ चार्ज है ये। तो इसी मैसेज के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि दुआ ज़हरा का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचे, दोनों पार्टीज़ चाहे जिसके भी हक़ में फ़ैसला आए वो सुकून के साथ और खुशी के साथ रजा के साथ उस फैसले को एक्सेप्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका।